हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय टूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस सो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपकी क्लास टेंथ के हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जो कि ये एम सी टाइप में लेकर आया हूँ तो बहु विकल्प प्रश्न है ये कहीं ना कहीं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला तो सभी लोग वीडियो को फटाफट -वड़ देख लीजिए अभी आपकी बोर्ड एग्जाम होने में काफ़ी टाइम है अभी दो घंटे पहले इसमें से देखें तो मैक्सम क्वेश्चन यहाँ पे फंसने के चांसेज होते तो इसको फटाफट इसको आप लोग क्या करिए एक नजर इसको देख करके तो चलिए देख लेते इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ तो पहला प्रश्न पूछा है अंजलि काव्य की रचिता है अंजलि काव्य की रचिता कौन है तो ये हो जाएंगे राजकुमार वर्मा हो जाएंगे कौन हो जाएंगे राजकुमार वर्मा हो जाएंगे एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा से मिलते हैं तो ये मिलेगा आपका राजस्थानी भाषा से राजधानी और राजस्थानी भाषा से क्या होगा मिलेगा तो बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की तरफ तो तीसरा प्रश्न इसका क्या हो जाएगा तीसरा प्रश्न हो जाएगा छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है तो छायावादी युग के प्रमुख राजकुमार वर्मा है कौन है राजकुमार वर्मा इसके क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे अगर हम इसके चौथे प्रश्न की तरफ बात कर ले तो चौथा प्रश्न क्या हो जाएगा चौथा प्रश्न हो जाएगा गुलाब राय गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है तो ये हो जाएगी मेरी असफलता मेरी असफलता क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे मैं इसका जो एम सी के क्वेश्चन का जो चारों ऑप्शन है वो मैं नहीं पढ़ा क्योंकि हम लोग के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो फटाफट इसका आंसर नीचे भी लिखा हुआ है आप नीचे भी देख सकते हैं वैसे मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ तो चलिए देख लीजिए इसके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है इसमें अगला प्रश्न पूछा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से एक कथन क्या है गलत है उसे पहचान करके लिखना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का क्या है उमरन्या से ये बात ही क्या है गलत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये उर्वशी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब हम बात कर लेते इसके अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न हो जाएगा अज्ञात शत्रु किस विधा की रचना है तो अज्ञात शत्रु किस विधा की रचना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना नाटक की ठीक है नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा यहीं पर अगली प्रश्न है तीतली उपन्यास है तो तीतली उपन्यास किसका है तो जयशंकर प्रसाद का जयशंकर प्रसाद का ये तीतली उपन्यास दिया गया है ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा हुआ है तो अगला प्रश्न इसमें पूछा हुआ है कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा को किस किस विधा की रचना है तो यहाँ पे बात हो जाएगा उपन्यास की तो उपन्यास इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न क्या है तो गुरु परीक्षा गुरु के लेखक कौन है तो परीक्षा गुरु के जो लेखक है वो लाला श्री निवास दास जी है तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ तो अगला प्रश्न क्या है भारत दुर्दशा रचना किसकी है तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान करके लिखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र राम रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब बात कर हैं इसके बारहवां क्वेश्चन नंबर बारहवीं की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर बारहवीं क्या पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान करके लिखिए तो ये हो जाएगा जनेंद्र क्या है तो जनेंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यास है उपन्यासकार हैं ठीक है अब तेरह क्वेश्चन नंबर तेरह देखिए क्या है तो तेरह नंबर पे क्वेश्चन ये रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान करके लिखे तो इसका हो जाएगा शेखर एक जीवनी अज्ञ की क्या है रचना है तो शेखर एक जीवनी अज्ञा की क्या है रचना है इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न में तो अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान करके लिखी तो इसका हो जाएगा रामवृक्ष बेना बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे ठीक है अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या पूछा है तो क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान करके लिखे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में क्या है प्रसिद्ध है तो पहला इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा यहीं पर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या है तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर क्या करना है तो उसे पहचान करके लिखना है तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में क्या है प्रसिद्ध है ठीक है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन की तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन आप पूछा क्या है तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर क्या करना है लिखना है तो हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार है ठीक है तो जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ इनको आप सिर्फ एक नज़र देख करके जाइए आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे तो कम से कम समय में मैं अधिक से अधिक प्रश्न को यहाँ पे बताने वाला हूँ तो कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देख कर डाइट टाइम एकदम बिल्कुल नहीं आप लोगों के पास तो बिना समय इन्वेस्ट के मैं आपको सारा टॉपिक के बता दे रहा हूँ हर एक चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन से उसे पहचान करके लिखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तीर्थशल के लेखक पदुमलाल बख्शी होते हैं और उसके बाद इसके अगला प्रश्न क्या है तो अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में निम्नलिखित में से क्या है तो निम्नलिखित में कथन में से कोई एक कथन सही उसे पहचान करके लिखना है तो यहाँ पे ज़्यादातर प्रश्न क्या दिया हुआ है गलत दिया हुआ उसका 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 है उसको पहचान कर में लिखना है तो उसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे ठीक है उसके बाद यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान करके लिखना है तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति के चार उपाध्याय के लिखित राम रामधारी सिंह दिनकर होते हैं और वहीं पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन उसे पहचान करके लिखना है तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तार सप्तक का संपादक सचितानंद हरिनंद वत्सायन अज्ञे ने किया है ठीक है और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हो जाएगा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान करके लिखना है तो इसका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है सुप्रसिद्ध Uh, कवि है ठीक है उसके बाद यहीं पर हम बात कर लें अगले प्रश्न की तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन जाएगा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान करके लिखे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने जाने माने आलोचक होते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की अगर बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्या पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान करके लिखे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में क्या होती है मानी जाती है ठीक है तो ये सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ तो जो लोग अभी तक एम क्वेश्चन एकदम नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है तो सभी लोग इसको एक बार पूरा देखिए और हम बात कर लेते हैं इसमें अगले प्रश्न की तो इसमें अगला प्रश्न क्या हो जाएगा तो अगला प्रश्न हो जाएगा हम लोगों का निम्नलिखित कथन में से कोई एक सही है उसे पहचान करके लिखना है तो ये हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है वो क्या है महाकाव्य है ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा चलिए देख लीजिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है तो अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है एक अंक के नाटक को क्या कहते हैं तो एक अंक के नाटक को कहा जाता है क्या चीज़ एकांकी कहा जाता है क्या कहा जाता है एकांकी कहा जाता है तो एकांकी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब यहीं पर दूसरी बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है राय कृष्ण दास कौन थे तो राय कृष्ण जो दास थे वो कौन थे तो ये गद्य गद्यकार थे गद्य गीतकार थे अब उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात कर लें तो उसमें अगला प्रश्न क्या दिया हुआ तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान करके लिखना है तो ये हो जाएगा प्रेम चंद्र कहानी एक उपन्यासकार के रूप में क्या है प्रसिद्ध है यहीं पर हम अगले प्रश्न की डिस्कशन कर ले तो इसमें अगला प्रश्न क्या हो जाएगा तो अगला प्रश्न हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहासकार के लेखक कौन है तो हिंदी साहित्यकार साहित्य का इतिहासकार जो लेखक है वो कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कहा जाता है ठीक है अब यहीं पर बात कर ले इसके अगले क्वेश्चन की तो इसका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी साहित्य के शुक्ल युग के समय की सीमा होती है तो ये उन्नीस सौ उन्नीस से लेकर के उन्नीस सौ अड़तीस तक होती है तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है इसमें नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है निम्न में कौन सी कौन से निबंधकार शुक्ल युग है तो इस, इसमें हो जाएगा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा क्योंकि बाबू गुलाब राय भी है श्याम सुंदर दास भी जयशंकर प्रसाद भी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है और यहीं पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है तो अगला प्रश्न दिया हुआ है अजमी का ना नागय कि किस विधा की रचना है तो ये हो जाएगा आपका नाटक का नाटक का क्या हो जाएगा ये विधा है ठीक है उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें ये करुणालय के लेखक कौन होते हैं तो करुणालय के जो लेखक होते हैं वो कौन है जयशंकर प्रसाद है तो करुणालय के जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद तो जी को माना जाता है कहा जाता है ठीक है अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें अगला प्रश्न क्या हो जाएगा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मकरकंद बिंदु निबंध संग्रह की रचनाकार कौन है तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है ठीक है तो ये आपका ए एज द राइट आंसर हो जाएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर टेन इसमें देखें तो मेरी ये अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है तो ये हो जाएगा आपका आत्मकथा की हो जाएगा किसका हो जाएगा आत्मकथा ये था राइट right आंसर हो जाएगा और हम बात करेंगे यहाँ पे भारतीय संस्कृति नाटक तो भारतीय संस्कृति नाटक निबंध के लेखक कौन है तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा यहीं पे तीसरे प्रश्न अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा तो अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और सही कथनों को छाड़ करके लिखे तो ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र कहानीकार एवं उपन्यास के रूप में क्या है प्रसिद्ध है ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न क्या है तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कथनों में से कोई एक कथन सही है कथनों को छाट करके लिखे तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा